rolling into the leg side. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्पोर्ट्स कैफे देखने वालों को उबैद अवान की तरफ से और वासी हबीब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं, आईपीएल पोस्टपोन हो गया और पीएसएल के हवाले से बातें चल रही हैं। आज पीसीबी ने ये कंफर्म किया है कि यूएई जो है वो दूसरा वेन्यू हो सकता है और पहली तरजीह जो है वो यूएई है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से हालात चल रहे हैं और एनसीओसी ने इजाज़त नहीं दी है पाकिस्तान में मैचेस कराने की, तो उसके बाद का भी इम्कान ये है कि अब ये पीएसएल दोबारा से जो है वो यूएई जा रहा है और इसके लिए इम्कान ये है कि ईद के बाद नए शेड्यूल का ऐलान होगा। तो सबसे पहले तो वासी हबीब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वासी। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई, कैसी तबीयत है? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। और आपने बिल्कुल ठीक बताया कि आईपीएल तो कैंसिल हुआ। मेरा ख्याल से सबसे पहले ये जो खबर है आज की जो आपके पास है, एनसीओसी ने पाकिस्तान को गैर महफूज करार दिया है कि भाई मैचेस यहाँ ना कराओ, चाहे आपने किसी भी कंपनी को हायर कर लिया है बायो सिक्योर बबल बनाने के लिए। तो शुएब अख्तर को पहले आप ये खबर दे दें, क्योंकि शुएब अख्तर आईपीएल के हवाले से बड़े सरगर्म थे कि उसको कैंसिल कर दिया जाए। बेसिकली बात ये होती है कि जहाँ भी खेल हो रहा हो, जहाँ भी स्पोर्ट्स हो रहा हो, हमें वहाँ पर जो है ना अच्छी बातें करनी चाहिए। वजह ये थी कि इंडिया ने भी कोई ज़िद में आईपीएल नहीं कराई। जब इंडिया में आईपीएल शुरू हो गई थी उबैद भाई, तो उस वक्त माहौल वैसा नहीं था जैसा आईपीएल शुरू होने के 5-7 दिन के बाद हुआ। तो केसेस बहुत कम थे, तो भारत ने फिर ये जिद नहीं उठानी, फिर उन्होंने कोशिश की कि जब तक हम इसको कंटिन्यू करें, जब तक हमारा बायो सिक्योर बबल मुतासर ना हो। और सच्ची बात यह है कि हम भी अपने प्रोग्राम्स में बारह ये बता रहे थे कि दिल्ली में सूरत हाल बड़ी नाजुक है, तो दिल्ली के जो मैचेज हैं अगर वो आप शिफ्ट कर देते हैं, या मुंबई में आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, डीवाई पाटिल भी मौजूद है, वानखडे भी मौजूद है, 2 टॉप नॉच स्टेडियम्स मौजूद हैं, अगर इसको मुंबई तक महदूद कर दिया जाता तो आईपीएल अभी हो रही होती। लेकिन बहरहाल वहाँ भी प्रॉब्लम आई, इतने केसेस थे, दिल्ली में टूर्नामेंट गया है, वहीं से मसले शुरू हुए हैं और आईपीएल भी फिलहाल पोस्टपोन हो गया। अब सेप्टेम्बर में ये लोग कह रहे हैं कि ये उसको कराएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हमने अपने रात में एक प्रोग्राम नसीम राजपूत साहब के साथ किया था, तो उसमें यही ख्याल था उनका कि फ्रेंचाइजर्स ने बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में टूर्नामेंट करा दिया जाए। और अभी मेरी और आपकी ऑफेयर भी यही बात हो रही थी कि प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा है कि यूएई में आप जो नॉर्मली टूर्नामेंट्स करवाते हैं उसमें आपके जितने पैसे खर्च होते हैं, अब उससे खर्चा 2.5-3 गुना है, क्योंकि कोरोना एसओपीस को फॉलो करना, करवाना, होटल का रेंट, पैसे, ये वो, खाना पीना। आपको एक बायोसिक्योर बबल कंपनी भी देंगे, दूसरा ये कि आप होटल कंप्लीट होटल आपने लेना है तो उसके काफ़ी अखराज हैं, फिर ट्रैवलिंग, फिर दूसरी चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर अखराजात यूएई में ज़्यादा हैं पाकिस्तान की नस्बत। मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़रूर सोच रहा होगा, पछता रहा होगा कि जब पीएसएल को रोका गया था मैं तो बड़ा वाजे कहता हूँ। देखें, आपके पास तो अंदर की सारी खबरें होंगी, क्या मामला चल रहे हैं, पीसीबी कैसे सोच रहा है, पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, कौन सा पीसीबी का मीडिया का टॉप नॉच आदमी जो है उसको अप्रोच किया जा रहा है यूएसए से, ये सब बातें आप जानते हैं कि वो यूएसए भी जा सकते हैं। अच्छा है, अल्लाह करे भाई, सबका हक है बेहतर रोजी, रोजी के लिए, हुसूल के लिए जाना। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी हकीकत है वो ये, मैं अपने इंडियन फैंस को भी बताता हूँ और वो मानते हैं, डैनियल क्रिश्चियन आपको याद है, ये इधर पीसीबी में सबसे ज़्यादा कोई एसओपी वायलेशन, ये तो बात की बात है, सबसे पहले रोना रोना जिसे हम आरआर कहते हैं वो इसने मचाए, इसने शोर मैं जा रहा हूँ, और इसकी अपनी फ्रेंचाइज में देवदत्त पदिकल जो है आरसीबी में पॉजिटिव हुआ, ये वहाँ पे मुंह सी कर बैठा रहा, विराट कोहली ने इसको कारकर्दगी के बाद ड्रॉप किया, तो ये अगले मैच में पांव पकड़ रहा था, यार मुझे कब खिलाओगे, अब मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। तो बात ये है कि सवाल यहाँ पैसों का नहीं होता, सिर्फ हम गलत बात कर देते हैं कभी कभी कि वहाँ ज्यादा पैसे हैं या कम पैसे हैं, हाँ ये सब पैसों के लिए ही अपना टैलेंट बेचते हैं, ये अब प्रोफेशनल बिजनेस है लीग जो है। लेकिन उबैद भाई मसला ये है कि आपकी बॉडी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, आप लोगों पर, मुझ पर, आप पर क्या तनकीद करेंगे, आप अपनी खबर को 15 मिनट संभाल कर नहीं रख सकते, 15 मिनट में खबर कैसे आ जाती है आप तक? बिल्कुल। और उसके बाद डॉक्टर सुहेल सलीम ने आप जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि भाई मुझे तो इस्तीफा ज़बरदस्ती दिया गया है, आप हमारे चैनल तो पहले से देखते हैं ना, मुझे उसे प्रमोट नहीं करना भाइयों, मैं तो यहाँ पे उबैद भाई के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन बात यह कि हमने उसी वक्त कह दिया था, पतली गर्दन ढूंढ कर डॉक्टर सुहेल सलीम को बजा दिया गया है और किसी ना किसी दिन वो मुंह खोलेंगे, खोल लिया उन्होंने मुंह, बिल्कुल हमें कैसे पता था एक महीने पहले, ये नजर आ रहा था ना कि देखे जो चीज़ सूरत हाल थी और जो
जो हमें बीसीबी के लोग ही बता रहे थे कि भाई क्या चल रहा है, सेल्फियां चल रही है, 12-12 मॉडल्स आ रही हैं, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, फला आदमी के साथ सेल्फी ले लो, कौन सा क्या सेल्फी लेने वाले वापस बाहर नहीं जा रहे, बाहर से अंदर नहीं आ रहे। तो आपने अपने टूर्नामेंट को खुद डेंट पहुंचाया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, मेरी नीयत को समझिएगा सारे भाई, मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान सुपर लीग आराम से पूरा होता, इनकी ना एलियों से, इनकी जो जल्दबाज खबरें निकालने वाले लोग हैं, या शायद चंद प्लेयर्स ही हैं जो फौरन खबर पहुंचा देते हैं, उबैद भाई जैसे दोस्तों को, आप अगर खबरें रोक लेते तो आप आज कामयाब हो जाते, आपका पीएसएल पूरा हो चुका होता। प्लेयर्स के अलावा पीसीबी के लोग भी हैं जो खबरें देते हैं। यार डैनियल क्रिश्चियन से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से लोग शान मसूद को देखना चाहेंगे यार, उसकी औकात ही क्या थी कि आपने उसके शोर मचाने पर मसला खड़ा कर दिया यार। ओ यार आउटडेटेड प्लेयर है, क्रिकेट उसका तो भाई चला जाए ना, चला जाए, मैं तो कह रहा हूँ। अब महेंद्र सिंह धोनी, हम अपनी लीग क्यों रोक रहे हैं? लोग कहते हैं कि क्रिकेट होती है, सबके बुरे अच्छे दिन आते हैं, हमारे पास भी बड़े बड़े नाम है जो थोड़ी सी आफत आने पे मुल्क बदर हो जाते हैं, यार मेरे तो घर में तकलीफ है। अब मैं आपको महेंद्र सिंह धोनी की बात बताता हूँ, उसने वाजे कह दिया कि जब तक एक एक प्लेयर मेरा, एक एक सपोर्ट स्टाफ सेफली कहीं पहुँच नहीं जाएगा, सबसे आखिरी में उसने अपना होटल छोड़ा है। हालांकि अब क्या लेना देना है महेंद्र सिंह धोनी का वर्ल्ड क्रिकेट से, क्या वो इंडिया का अभी भी कप्तान है? कप्तान तो विराट कोहली है और मेन आदमी तो रोहित शर्मा है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी बता रहा है कि इस मुल्क ने मुझे तो ये मकाम नहीं है बॉस, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसने तो ये बताया कि भाई मेरा जो इंडियन क्रिकेट में मकाम है मैं उस पर पूरा उतरता हूँ। आप ये देखिए ना, यहाँ आपने क्या किया एक बेचारे डॉक्टर को, भाई वो डॉक्टरी में अच्छे हैं या नहीं है मैं नहीं कुछ कह सकता, डॉक्टर का काम गलत किया नहीं था ना कि वो इम्प्लीमेंट कराता यार भाई, इम्प्लीमेंट कराना तो प्रीकॉशनरी मेजरमेंट्स की तदाबीर बता सकता है डॉक्टर, बायोसिक्योर बबल को मैनेज कैसे कराएंगे डॉक्टर सुहेल सलीम, ये उनकी एक्सपर्टीज थोड़ी है, मुझे बता दो भाई, मेडिकल के टॉपिक्स में कहीं ये टॉपिक होता है तो मुझे भी बता दो, मेरी नॉलेज में इजाफा कर दो यार। सही बात है। तो अब अगर दुबई में जाते हैं तो क्या दुबई में वो हालात नहीं होंगे, क्या दुबई के अंदर ब्रिज नहीं होगा बायोसिक्योर बबल? भाई देखें हालात तो इस वक्त वैसे पूरी दुनिया में कहीं भी ठीक नहीं है, लेकिन आपको हमेशा से मालूम है, आप भी मुझे बताते रहे कि फ्रेंचाइज ओनर्स हमेशा से यूएई में बड़ा इंजॉय करते हैं सिक्योर प्लेस है, एक तो आपकी यहाँ फड़नी लगती, वहाँ आप दूर दूर रहते हैं लोगों से, लेकिन बात वही है कि पहले की तरह अगर आपको पार्टीज वाला माहौल चाहिए तो इस वक्त पार्टीज वाला माहौल तो कहीं भी नहीं है, अगर आपने तो दुबई में भी नहीं है भाई, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने इस बार कोई सख्ती की, इस बार आपने कोई भी सॉरी वायलेट किया किसी भी एसओपी को एक बार भी, तो मेरा ख्याल से आपको बहुत डेंट लगेगा, लड़कों को कोरोना भी बहुत होगा, प्लेयर्स को, सपोर्ट स्टाफ को, और उसके अलावा आपके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे, आपको याद है पहले ही यूएई आपसे नाराज़ हो गया था, और अब इंडिया का भी, इंडियन क्रिकेट का भी आहिस्ता आहिस्ता घर यूएई बन रहा है, क्योंकि वर्ल्ड टी20 मोस्ट लाइकली टू बी शिफ्टेड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बिल्कुल, वो भी बहुत नज़र आ रहा है, और अभी महीना डेढ़ है, सुना है कि जून के आखिर में या जुलाई में जाकर जो है वो आईसीसी फैसला करेगा उसके ऊपर। इंडिया का तो मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ ब्रेकिंग, इंडिया में 2 महीने बाद अगर हालात बेहतरी की तरफ भी आ गए, क्योंकि ये जितने ख़राब हालात हैं अगर बेहतरी की तरफ भी आ गए, तो वर्ल्ड टी20 अगर हुआ इंडिया में तो ये 9 की जगह 4-5 सेंटर्स पर रह जाएगा, और ये होगा विदाउट एनी क्राउड के, यानी कि बिहाइंड क्लोज डोर्स होगा, ये तो आप लिख कर मुझसे ले लें अभी से, इस तरह हमने ये बताया था कि डॉक्टर सुहेल सलीम एक दिन चीख पड़ेंगे, वो बहुत जल्दी चीख पड़े कि भाई मेरा क्या कसूर है, मेरी पतली गर्दन क्यों दबा दी, लाओ भाई पीसीबी के उन लोगों को जो फ़ोन कर कह रहे थे कि यार फला ने थेल्फी खिंचवानी है, ये बड़े साहब का बेटा है, ये उसका दामाद है, ये फुप्पा का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, ये फुप्पो का पड़ोसी है, मतलब ये सब तो चल रहा है। ऐसा कुछ हुआ है कि वहाँ भी सेल्फी यार IPL में जो बाद में मसला आया वो दिल्ली में आया, दिल्ली में एक तो कोरोना की सिचुएशन बड़ी ख़राब थी, और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से पाकिस्तान के जो इंडिया से बड़े इन टच रहते हैं मुझसे ज़्यादा बाखबर रहते हैं, और एक दो इंडियन साफियों से जो हमारी बात हुई है दिल्ली में ड्यूरिंग प्रैक्टिसेस जो है कुछ आला अहदेदार आला हस्तियां आई हैं, 2-4 ही सही लेकिन आए हैं, वहां भी थोड़ी सी SOP वायलेट हुई जिसका खमियाजा आपने भुगत लिया, लेकिन मैं समझता हूं कि असल डेंट जो है अगर दिल्ली में के सेंटर को निगलेक्ट कर ये टूर्नामेंट मुंबई में रखकर ही ख़त्म करा दिया जाता तो ये टूर्नामेंट बड़ा अच्छा और खुश असलूबी से चल रहा था, और बड़े ब्रेथ टेकिंग मुकाबले हो रहे थे, कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही थी। मुझे तो बड़ा अफसोस है कि ये टूर्नामेंट बहुत जल्दी वाइंड अप हुआ, क्योंकि अब ये अगर सेप्टेम्बर में होता भी है बड़ा मुश्किल है विंडो का, या आगे किसी प्रोग्राम में आपके साथ बात करूँगा कि क्यों मुश्किल है,
इंग्लैंड की सीरीजेज हैं, उनके लड़के इधर आएंगे, फिर क्या होगा, फिर वही होगा, पाकिस्तान इंग्लैंड की डी टीम से खेल रही होगी और बाकी सारे जितने तवंगर प्लेयर हैं वो यूएई जाएंगे आईपीएल खेलने जाएंगे। तो बात यह है कि आईपीएल में 31 मैचेस बाकी हैं, 31 बहुत लंबा कर दिया, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा भाई। देखें जब जब टूर्नामेंट का इनेकाद करवा रहे थे ये, उस वक्त ये कंडीशन नहीं थी, अगर इस कंडीशन के साथ चैलेंज आता तो शायद इसे सिंगल लीग से करवा दिया जाता। मेरे पास अब भी एक सलूशन है, लेकिन है वो बचकाना, क्योंकि जब 8 टीमें तो उसी नज़रिए से खेल रही थी ना टूर्नामेंट, हम बाउंस बैक करेंगे। अब आईपीएल को जल्दी और सस्ती से करवाने के लिए 1-4 तक की टीमों को आप ले लीजिए और प्ले ऑफ मुकाबले जो हैं जो होते हैं उनको करवा कर इसको अच्छे से वाइंड अप करवा दीजिए। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है 31 मैचेस की विंडो, क्योंकि फिर बैक टू बैक वर्ल्ड T20 है, बहुत सारे प्लेयर्स 31 मैचेस यूएई में खेलने के बाद अनफिट हो जाएंगे। वर्ल्ड T20 में हर टीम अपने प्रीमियर 1-2 लोगों को ना छोड़ दे यार, हो ना दे इंजरी से, ये भी फिर वर्ल्ड कप फीका हो जाएगा, है वो भी इंडिया का। 31 मैचेस अगर कराने जाते हैं तो कम से कम भी आपको 20-22 दिन तो चाहिए जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, चले नहीं भी चाहिए 17 दिन चाहिए, 16 दिन चाहिए, डबल हेडर्स भी करते हैं आप एक ही जगह पर धड़ाधड़ भी 16 दिन, फिर भी आपको 16 दिन चाहिए। तो 16 दिन की विंडो वर्ल्ड कप से पहले और इतनी फास्ट क्रिकेट, आप दिन में 2 मैचेस, फिर आपके पास अगर सारे प्रीमियर प्लेयर्स आ गए तो फर्ज करें क्या इंग्लैंड का कप्तान ओइन मॉर्गन जो कलकत्ता का कप्तान है अगर वो अनफिट हो गया तो क्या इंग्लैंड वर्ल्ड T20 जो कि इंडिया का BCCI का टूर्नामेंट है, क्या वर्ल्ड T20 इंग्लैंड अपने ओरिजिनल कैप्टन के बगैर खेलेगी? बेन स्टोक वैसे अभी अनफिट था, क्या रोहित शर्मा अनफिट हो गया तो टीम इंडिया जो है वो रोहित शर्मा के बगैर खेलेगी वर्ल्ड T20? फीका पड़ जाएगा ना टूर्नामेंट बिल्कुल। तो आप देख लें, बाबर आजम की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, वो जिम्बाब्वे पे रन ही नहीं कर रहा बेचारा, वो कह रहा है इतनी छोटी टीम पे रन करके थकने से क्या फायदा, इन पे तो अजहर भाई भी कर देंगे, इन पे तो आबिद भी कर देगा। नहीं, बाबर जो है ना वो दूसरे बैट्समैनों को मौका दे रहा है कि भाई यहाँ भी कह रहा हूँ उसको, मैं यही कह रहा हूँ ना, बेचारा छोटी टीमों पे रन ही नहीं कर रहा, मेहनत ही नहीं कर रहा, इंग्लैंड जाके जाना, बड़ी जगह पे करेगा ना रन। बात यही है मेरा, जहाँ छोटे लोग रन कर रहे हैं भाई, बाबर अजहर भाई फॉर्म ले लें, इमरान भट्ट फॉर्म में आ जाए, आबिद अली फॉर्म में आ जाए, थोड़े बहुत रन फवाद आलम कर दें, नीचे आकर जो है रिजवान कर दें, लेकिन बाबर ने खुद को महफूज रखा हुआ है बड़े इवेंट्स के लिए। सही, चले तो वो तो ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है आईपीएल का, कब डिजाइन करते हैं। PSL पक्का यूएई में हो रही है, PSL तो जा रहा है। हाँ तो फिर PSL के कबाब वबाब पार्टियाँ ज़रा रुकवा दीजिएगा, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसमें चेक लगाना ज़रूरी है भाई, ये मांगते यूएई इसीलिए है, विंडो यही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, आखिरी विंडो है, और इस विंडो के बाद पाकिस्तान के पास भी शेड्यूल में कोई जगह, इस विंडो के बाद शीशा तोड़ दिया जाएगा विंडो का, मैं बता रहा हूँ पत्थर खींच के मारा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ साफ लफ्जों में, होना यही वाला है आखिरी में। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान कहाँ कराएगा? अब NCLT कह रही है कि आप यहाँ पे ना कराएं, टूर्नामेंट है जो आपने 23 मई से क्वारंटाइन शुरू करना था, अब उसके अंदर जो है बहुत कम टाइम रह गया है भाई। सलीम हो, कलीम हो, शज्जू हो, मज्जू हो, सैमी हो, टैमी हो, कोई सा भी प्लेयर हो बाहर का, मैं साफ लफ्जों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त कर लेता हूँ अपनी कैपेसिटी में, खबरें लीक ना हो आपकी, इंडिया इंडिया में ख़त्म हुआ तो इंटरनेशनल जरीदे में लगा क्या, IPL क्या हुई, खत्म कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई, और PSL पोस्टपोन हुई थी तो क्या लगा आलमी जरीदों में, यार खत्म हो गई, क्वारंटाइन वायलेशन हुई SOPs की, हालांकि इंडिया में केसेस ज़्यादा हैं, क्यों, उनके यहाँ मैन मैनेजमेंट है, मीडिया हैंडलिंग है, हमारे यहाँ मीडिया हैंडलिंग ही नहीं है भाई। फला प्लेयर आपका दोस्त है, उसने आपको फ़ोन कर दिया, उबैद भाई आपको एक खबर दूँ, यार फला भाई मैं आपको एक खबर दूँ, यार फला तुझे पता क्या हुआ, मेरे पड़ोसी को जो है ना वो आ गया कोरोना, वो बता नहीं रहा, बस यहाँ से खबर निकली, आपने छापी, उसके बाद PSL रुसवा हो गया। तो भाई खबरें तो मीडिया वाले ही छाप रहे हैं ना, तो PCB पहले अपने लोगों को रोके, PCB का अपना घर खराब है ना, PCB वहीं से खबर आ रही है ना, बात तो सही करे भाई, PCB से आ रही है, यहाँ जो इंटरनल प्लेयर्स हैं फ्रेंचाइज में उधर से आ रही है, इन्हें रोके, इनके फोन ट्रेस करे भाई, ये एक तरह का क्राइम लगता है मुझे तो, आपको मुझसे बहुत ज़्यादा मालूम है, मुझे तो एक क्राइम लगता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दायरे कार में टूर्नामेंट हो रहा है, सारे सहाफ़ी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इजाज़त से उसको कवर कर रहे हैं, अगर PCB चाहता है कि इसकी कोई खबर बाहर ना निकाली जाए, हमारी इज्जत महफूज रहे, तो कैसे ये खबर कोई बाहर निकाल देता, नहीं हो सकता, जब तक PCB नहीं चाहेगा तो नहीं हो सकता। फिर इसमें खबर पर बात करने वालों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, जिन बेशर्मों ने खबर निकाली हो उन पर तनकीद करो यार, बिल्कुल, यार उन्होंने आपकी लीग को रुसवा कर दिया, कुछ भी मसला नहीं था, ये डैनियल क्रिस्टन को घर चढ़ाते यार,
इसको कराते कोई W11 की बस और इसे भेजते कहीं। जा भाई तू जा, तुम जाओ डैनियल क्रिश्चियन, मैं आपको बता रहा हूँ डैनियल क्रिश्चियन जैसे लोग जिनकी क्रिकेट अब खत्म हो गई है, आउटडेटेड प्लेयर्स हैं RCB में, मुझे भी लग रहा है आखिरी बार दुकान लगी है इसकी RCB में, अब इसकी दुकान इंडियन प्रीमियर लीग में भी नहीं लगेगी, ये मैं आपको वाजे बता रहा हूँ उमेश भाई। चले देखते हैं कि डैनियल क्रिश्चियन का क्या होता है, फिलहाल तो हमें ये देखना है कि PSL का क्या होता है और फिर IPL का क्या होता है। नहीं, दोनों लीग होंगी, पोटेंशियल दोनों बोर्ड्स में मौजूद है, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, दोनों बोर्ड्स कराएंगे। मसला है ना भाई, पैसा है, मसला कर रहे हैं साफ लफ्जों में फ्रेंचाइज ओनर्स जो अभी ट्रांसफर का शोर मचा रहे हैं कि इधर कर दो इधर कर दो, इन्हें भी थोड़ा सा अपनी चीज़ों को अपनी पॉलिसीज बनानी होंगी, नज़र सानी करना होगा कि क्रिकेट बोर्ड का हेल्पिंग हैंड बने, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का कुछ नहीं जा रहा, ये छठे साल में खड़े। देखिए फ्रेंचाइज ओनर्स वैसे ही परेशान थे, आपने देखा हुआ है कि फ्रेंचाइज ओनर्स बार बार कहते हैं कि हमें अब तक इस लीग से मुनाफा होना तो शुरू ही नहीं हुआ, फिर छोड़ दे ना, छोड़ दे। लास्ट टाइम जो है ये कोर्ट में भी चले गए थे कि हमसे फाइनेंशियल डिस्कस नहीं करता, PCB हमें बताता नहीं है। तो कहने की बात यह है कि आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। हमारे यहाँ पिंग पोंग वाला गेम अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि PSL हो रही है तो खुशियाँ, तनकीद करो अगर ख़त्म हो गई, IPL बंद हो गई तो हम खुश हैं। वो भाई क्यों खुश हो, क्रिकेट ही खेल रहे थे ना वो लोग, आपको क्रिकेट ही दिखा रहे थे ना, अब क्या देखोगे, खौफ की खबरें, मौत की खबरें, यही बात है ना। तो खेलों को सपोर्ट करो पूरी दुनिया में जहां भी हो, और पूरी कौम जुड़ जाए, क्योंकि एशिया की स्पोर्ट्स फर्टिनिटी को ऊपर आना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से वर्ल्ड स्पोर्ट्स आजकल ऊपर आ रहा है तेज़ी से, और लोग चाह रहे हैं कि एशियन स्पोर्ट्स, एशियन ब्लॉक क्रिकेट में, अदर स्पोर्ट्स में, देखें हॉकी में तो बहुत कमज़ोर हो गया है पाकिस्तान की, जब से हॉकी ख़त्म हुई अकेला इंडिया क्या करे, इंडिया ऑफ एंड ऑन बेसिस पर हॉकी खेलता है, पाकिस्तान लेकर चलता था एशियन ब्लॉक को, ख़त्म हो गई आपकी हॉकी, अब आप क्रिकेट एक खेल रह गया, आप क्रिकेट को क्या वहाँ लेकर जाना चाहते हैं जहाँ से वापसी नामुमकिन हो, तो अगर वहाँ ले जाना है आपको तो आप मजाक बनाएं, अपनी क्रिकेट का भी बनाएं, फिर आप ये भी बोलें IPL हो रहा है, आहा हा हा, IPL बंद हो गया, आहा हा हा, तो भाई IPL भी होगा तो क्रिकेट ही होगी। देखो IPL जब हो रहा होता है तो कितने फैंस बाबर आजम की बात करते हैं, जब विराट कोहली खेल रहा होता है, यार बाबर आजम ने विराट को इस फॉर्मेट में अभी पीछे छोड़ा है, इधर से वो आगे आ गया, इधर से यूँ आ गया, डिबेट आपकी चलती क्यों है, क्योंकि आपके पड़ोस में भी क्रिकेट हो रही होती है, वरना आप क्या मुजरबानी ने कैसे आउट किया बाबर आजम को, यही डिस्कस करते करते रात गुजारोगे, तो कर लेना भाई ये डिस्कस पे, हुआ है रात को ये हादसा हुआ है, कर लेना यही बात डिस्कस कर लेना भाई, मैं आंखें खोल रहा हूँ भाई, खेल के लिए जुड़ जाओ, खेल पर काली जरबे ना मारो कहीं भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान सुपर लीग भी बेहतरीन है, अच्छा ग्रो कर रही है, कोरोना पेंडेमिक एक नागहानी आफत है भाई, नागहानी आफत है, उसमें उस बेचारे डॉक्टर को मैं तो कहता हूँ बहुत ही बेचारे हैं वो, उन बेचारों को फंसा दिया, उसको तो पता ही नहीं होगा मुझसे गलती क्या हो गई है, उसे तो ये भी नहीं पता होगा कौन सी अदाकारा है, कौन सी अदाकारा है, मैं तस्वीर खिंचवाने आई है, ये भी नहीं पता होगा उसको भाई, यही तो पूछ रहा था कि भाई मुझे बताओ मेरी गलती क्या है, बस मैंने तो डिजाइन करके दिया, मेरा वो काम था वो मैंने कर दिया भाई, मैं यही कह रहा हूँ मैंने क्या करना था, तालीम उन्होंने हासिल की है वैद्य भाई, जाते जाते मैं बता रहा हूँ क्या उसमें कोरोना SOPs से निपटना भी आता है, अगर है कोई थीसिस, कोई लेक्चर, कहीं कुछ आता है कोई टॉपिक वाइज तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी नॉलेज में इजाफा कीजिएगा, शुक्रिया। चले आज की नशिस्त के में इतना ही, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की PSL के हवाले से भी और IPL के हवाले से भी, T20 के हवाले से भी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को ये वाले चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, प्रमोट करने का, सही है, ओके थैंक यू। मेरा चैनल तो आपके सामने है स्पोर्ट्स कैफे, और वासे भाई का आप पहले ही जानते हैं वासे हबीब के नाम से, क्रिकेट बारबेक्यू, जी क्रिकेट बारबेक्यू विद वासे एंड इफ़ी, बिल्कुल क्रिकेट बारबेक्यू इफ़ी भाई और मैं साथ प्रोग्राम करते हैं, और हमारे चैनल का, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है क्रिकेट बारबेक्यू विद वासे एंड इफ़ी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम तीनों एक साथ भी होंगे, वासे भाई, इफ़ी भाई और मैं, ये बड़ा मुश्किल है, करेंगे एक फ्रेम में, वो तीसरा आदमी फिट नहीं होता हमारे, चलो कोशिश करेंगे उनको लेके, करेंगे आपके साथ करेंगे कोशिश, इंशाल्लाह, चले ठीक है, ओके गाइस, ओके थैंक यू अल्लाह। Ball into the leg side.